नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं अरविंद सिंह। निकाय चुनाव में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने दिया विवादित बयान। कहा, हम रामवादियों पर बाबरवादियों ने जो बर्बरता की है, उन बारवादियों का नाम लेने वालों को एक बार हमेशा के लिए कब्रिस्तान भेज देना आवश्यक है, ताकि कोई राम और कृष्ण के अंतर न समझ सके। केशव की जी की शपथ के बाद कसाई खाने बंद हो गए। गुंडे जो थाने चलाते थे, वो आज थाली लिए जेल में लाइन में खड़े हैं। पाकिस्तान में हाफिज साइड जेल में अपने आप को सुरक्षित पाता है, दाऊद भाग गया है। जो देश में घुसपैठ करते थे, वो कब्रिस्तान पहुंच रहे हैं। बर्बादियों का नाम लेने वालों को एक बार कब्रिस्तान में हमेशा हमेशा के लिए भेज देना आवश्यक है। जिनको मनाया जा सकता है उनको मनाने का प्रयास किया गया है, लेकिन जो भी विरोध करता है उसके लिए एक ही लाइन है, जाको प्रिय नाम में नहीं तजिए ताहि कोटि मेरी सम यद्यपि परमान नहीं। भाजपा का नहीं, भाजपा का के विरुद्ध लड़ाई लड़ता है, उसको भाजपा दूत कतई स्वीकार नहीं करती। और भाजपा के साथ हमारा कार्यकर्ता खड़ा है, कार्यकर्ता के बल पर हमने लोकसभा और विधानसभा जीता है, कार्यकर्ता के बल पर हम नगरीय निकाय का चुनाव भी जीतेंगे। भाजपा की राम सपा की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। अभी तक वो समाज को बांट करके राजनीति करते थे, समाज को बांटने की, अब भगवान को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, इतना ही कहा। भगवान और भगवान के बीच में बंटवारा करना ये सपा बसपा कांग्रेस जैसी सोच के लोगों का ही विषय हो सकता है। हमारे लिए भगवान राम, हमारे लिए भगवान कृष्ण, हमारे लिए भगवान शिव, हमारे लिए सभी देवी देवता एक जैसे जाति रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी, उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि समझौते से रास्ता निकलेगा बहुत अच्छा है, अन्यथा 5 तारीख से सर्वोच्च न्यायालय में डे टू डे सुनवाई होगी और जल्दी फैसला होगा, भव्य मंदिर बनेगा। बड़े नेताओं पर बड़े अनर्गल ध्यान लगा रहे हैं, भाजपा इस पे कोई कार्रवाई करेगी या नहीं? जहां जरूरत होगी, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, भाजपा को कहां कब किसके खिलाफ क्या करना है भाजपा को मालूम है, जहां जरूरत होगी वो कार्रवाई करेगी। धन्यवाद। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी कान खोल करके सुन ले, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार और प्रदेश में भी सरकार मेरे कार्यकर्ताओं के परिश्रम और पसीने के कारण से बनी है। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त करने के लिए मेरे कार्यकर्ताओं ने दिन रात परिश्रम किया है, और जनता की किसी समस्या को लेकर के छोटे अधिकारी हो चाहे बड़े अधिकारी हो, खुलेआम निर्देश देना चाहता हूं कि पार्टी का हमारा कोई पदाधिकारी कोई कार्यकर्ता जनता की कोई समस्या लेकर के जाता है तो उसको सम्मान पूर्वक सुनिए और उस समस्या का समाधान करिए। यह भी इस नगर पालिका के चुनाव में आकर के मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं।